हेलो एवरीवन, वेलकम टू नूर्स नॉज डायरी। आज मैं बनाने जा रही हूँ रिकवच। अलग अलग स्टेट में इसे अलग तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं इसे यूपी स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, जैसे कि मेरी नानी बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें वटानी की दाल लेना है आधा किलो और उड़द की दाल लेना है 200 ग्राम। इसे रात भर भिंगो कर रख देना है और सुबह पानी निकाल कर इसे सूखा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वटानी की दाल में अभी हम उड़द की दाल ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें एक पेस्ट तैयार करना है, जिसमें लहसुन लेना है 10 से 15, अदरक लेना है 2 से 3 इंच और हरी मिर्च लेना है 10 से 15 और उसे सूखा पीस लेना है। उसके बाद इसमें अचार ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने मिर्ची और कैरी का अचार ली हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा टैंगी और स्पाइसी फ्लेवर आएगा। उसके बाद हम जो सूखे मसाले हैं वो लेंगे, जिसमें कि है हल्दी पाउडर 2 चम्मच, जीरा पाउडर 2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हींग 1 चम्मच, सॉल्ट टू टेस्ट। अब इसमें जो है हम ऐड करेंगे चावल का आटा 1 कप। इससे क्या होगा, इसमें बहुत अच्छा एक क्रिस्पीपन आ जाएगा। उसके बाद इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फिर आपको इसे एक बार टेस्ट कर लेना है। नमक कम है तो उसमें ऐड कर दीजिए, और अगर तेज या कोई चीज़ कम है तो ज़्यादा ऐड कर देना है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। वरना जब हम पत्तों में लगाकर इसे बनाएंगे तो उसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए जो चीज़ें वो थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। जब थोड़ी बारिश हो जाती है उसके बाद ही हमें ये पत्ते खरीदने चाहिए। डंठल देख रहे हो, आपको वो कट करना है ऊपर से लेकर नीचे तक, संभाल के कि इसमें जो पत्ता है हमारा वो कहीं से फटे ना, अच्छे से बस ये निकल जाए। ठीक है, उसके बाद इसका जो पानी है उसको हम निकाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पत्ते को अच्छी तरीके से बिछाना है। उसके बाद जो हमने बैटर तैयार किया था वो इस पे हम अप्लाई कर देंगे। हमें बेसिकली क्या करना है, एक पत्ता लगाना है, फिर बैटर लगाना है, फिर दूसरा पत्ता लगाना है और बैटर लगाना है। ऐसी ये प्रोसेस जब तक कि हमारे 3 से 4 पत्ते नहीं हो जाते हैं वो करना है। अब जो दूसरा पत्ता है उसे हमें अपोजिट शेप में यहाँ रखना है। जैसे ये ऐसे रखा हुआ था तो इसके अपोजिट में इस पत्ते को रखना है और फिर इसमें बैटर अप्लाई करना है। ये हो गया। देखिए, थर्ड पत्ता हमें इसके अपोजिट शेप में रखना है और फिर उस पर भी बैटर लगा देना है अच्छे तरीके से, कि कोई भी जगह बचे नहीं। वो पत्ता लगाना है अपोजिट शेप में और इस पे भी हम बैटर अच्छी तरीके से लगा देंगे। यहाँ पर मैंने 4 पत्तों का इस्तेमाल करी हूँ, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। बस यही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है, पत्ते लगाने हैं, बैटर लगाना है। इससे क्या होगा, ये और ज्यादा मोटे बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बैटर अच्छी तरीके से लगा देना है ताकि कोई भी जो जगह है वो बचे नहीं। फिर हम 2 साइड्स पकड़कर हमें रोल करते हुए जाना है। ये मीडियम शेप के हैं इसलिए बस ऐसे ही करना है, लेकिन अगर बड़े पत्ते हैं तो आप क्या करो, दोनों साइड उसके फोल्ड कर दो, फिर उसके बाद ऐसे ही रोल करते जाओ एंड में। फिर जो इसके जो 2 एजेस हैं उसमें भी हम बैटर लगा देंगे, जिससे कि जो ये पूरी तरीके से पैक हो जाएंगे और स्टिक भी हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो है वो रोल तैयार हो गए हैं। उसके बाद एक स्टीमर हमें तैयार करना है। एक पतीली में पानी ले लेना है, फिर उसे उबलने देना है, उसके ऊपर ऐसी छन्नी रख देना है और ये जो हमने रोल तैयार किया था वो रख देंगे और इसे कवर करके इसे पकने देंगे। इसे पकने में 15 से 20 मिनट लगता है। ये देखिए, ये मैंने एक बार चेक करी थी 15 मिनट के, लेकिन ये अच्छी तरीके से हुआ नहीं था, तो थोड़ी देर के लिए इसे फिर से रख देंगे। ये देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और जो लिक्विड है उसे हम तल लेंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक साइड रखना है, ये एक साइड बन जाएंगे, बस उसको एक बार फ्लिप कर देना है, दूसरा साइड भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी रिकवच बनके तैयार हो गए हैं। तो ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कैसे बने हैं। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।